तफसीर नूर सकलैन में उस्ताद और शागिर्द का मुकालमा लिखा है। उस्ताद कौन? सैयदुल फुकहा, इमामों के इमाम, फकीहों के सरदार और विलायत के छठे ताजदार। भाई इमाम, इमाम है, इमाम का अपने शागिर्द से मुकालमा हुआ और शागिर्द भी कुछ छोटा मोटा नहीं, शागिर्द भी ऐसा था जिसने दावा किया था लौ लसनतान लहालकन नौमान, अगर इमाम सादक की खिदमत में मैंने 2 साल शागिर्दी न की होती तो मैं हलाक हो जाता, अगर 2 साल मुझे शागिर्दी के ना मिलते तो मैं हलाक हो जाता। इतना बड़ा दावा करने वाला पूरे मसलक का इमाम हमारे इमाम के सामने बैठा है, गुफ्तगू हो रही है। बल्कि बता दूँ, नौमान इब्ने सादिक हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के इमाम हैं और मेरे ख्याल में हम में से हर एक इंसान को एक दूसरे के मकतब की और उसके इमामों का एहतराम करना चाहिए, तब हम बात आगे पहुंचा सकते हैं। देखिए, उस्ताद शागिर्द का मुकालमा था और कुरान मजीद की सूरह तकासुर की ये आयत थी। जब इमाम सादिक अलैहि सलाम ने यह आयत पढ़ी, सुम्मा लतुसअलुन यौमा इज़िन अनिन नईम, वो वक्त याद करो, वो दिन याद करो जिस दिन तुमसे नेमत के बारे में सवाल होगा, जिस दिन तुमसे नेमत के बारे में सवाल होगा। इमाम ने कहा, अच्छा अबू हनीफा तू बता, तेरे नज़दीक ये नईम है कौन, ये नेमतें हैं कौन सी? तो कहता है कि मौला मैं तो यही समझता हूँ, रोटी कपड़ा मकान पानी, ठंडा पानी नेमत है, रोटी नेमत है, खाना नेमत है। तो इमाम ने पलट के कहा, अच्छा तू मुझे बता, अगर तू माशर के मैदान में अल्लाह को अपनी रोटियां गिनवाना शुरू कर दे, अपने लिबास गिनवाना शुरू कर दे, तो वक्त थोड़ा ज़्यादा नहीं लग जाएगा? अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो, रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में डाल के ख़ुद को मुश्किल में डाल रहे हो, क्या माशर के मैदान में उसका जवाब देते हुए वक्त ज़्यादा नहीं लग जाएगा? कहते हैं हाँ मौला, वक्त तो बहुत लग जाएगा। तो इमाम ने उसको मुख्तसर कर दिया, कहा मौला आप ही बताएं वो नेमतें हैं क्या जिनका सवाल होना है। इमाम ने कहा, अबू हनीफा तू इतना जान ले, महशर के मैदान में जब रब की बारगाह में जाएगा तो जिन नेमतों के बारे में सवाल होगा वो नेमतें और कोई नहीं, नहनु अहलुल बैत अन्नईमुल लजी अनअमल्लाहु अलल इबाद, हम अहले बैत अल्लाह की वो नेमत हैं जिसका अल्लाह ने लोगों पे इनाम किया, सवाल हमारे बारे में होना है। हम अहले बैत नेमत हैं, हमारे बारे में सवाल होगा, रोटी कपड़े मकान का सवाल नहीं होगा। मेरे भाई ये काम इंसान भी, किसी को 2 टाइम का खाना खिला के कभी मुलाकात हो तो वो ये नहीं कहता, मुझे याद है मैं वही हूँ जिसने तुम्हें खाना खिलाया था। एक आम इंसान भी इतना शऊर रखता है कि किसी को रोटी खिला के एहसान नहीं जतलाते, जब उसने पैदा किया था तो हमारे रिस्क का इंतज़ाम उसके ज़िम्मे था, रिस्क का इंतज़ाम उसके ज़िम्मे था। वो रोटी कपड़े मकान, वो आपको इन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं करेगा, वो फ़कत यही पूछेगा, मैंने तुम्हें अली दिया था, मुझे ये बताओ तुमने अली को तो माना है, अली की कितनी मानी है? ये मजलिसें खुदा के शुक्र का ज़रिया है, ये मजलिसें जिक्र आली यो बतूल का वसीला है। इसका मतलब है कुरान के मुताबिक जो शाकिर बनना चाहे, कुरान के मुताबिक जो जाकिर बनना चाहे, उसे चाहे मजलिस हुसैन में आए, जो मजलिस में आए वो जाकिर भी है वो शाकिर भी है, वो शाकिर भी है वो जाकिर भी है। अल्लाह की नेमतों के बारे में सवाल होगा, वो नेमतें मोहब्बत अहले बैत हैं, विलायत अहले बैत हैं। कहीं ऐसा ना हो इतनी अजीम तरीन नेमत अपने दिल में रखते हुए उस नेमत से फ़ायदा ना उठाया। कितना बदनसीब होगा वो इंसान कि जिसको अपनी ज़िंदगी में इतने अजीम इमाम मिले लेकिन इन इमामों की सही मारिफत हासिल न कर सका। तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि 14 की मारिफत दरवाज़ा है मारिफत इलाही का।